नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। देश में चुनावी घमासान मचा हुआ है और दोनों बड़े दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। अब देखिए ना, भले ही रविवार को छठे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, इसके बाद भी भोपाल सीट चुनावी चर्चाओं में बनी हुई है और दिग्विजय सिंह अब भी बीजेपी के निशाने पर हैं। यही वजह थी कि सोमवार को पीएम मोदी जब रतलाम पहुंचे तो वहां भी दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने हमला बोला। दरअसल दिग्विजय सिंह रविवार को अपना वोट डालने राघोगढ़ नहीं जा पाए थे, बस इसी बात को मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी ने इसे महापाप बता दिया। जब मोदी बोले तो शिवराज सिंह चौहान भी पीछे कैसे रहते और बोले कि जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा वो ही लोकतंत्र में यकीन नहीं रख रहा। अब कांग्रेस ने भले ही अब तक इस पर काउंटर न किया हो, लेकिन ये आरोप लगाते ही तीन उंगली खुद बीजेपी की तरफ उठ गए, क्योंकि बीजेपी के कई नेता हैं जिन्होंने मजबूरी में या जानबूझकर अपना वोट नहीं दिया। तो क्या इस तरह के आरोप किसी पर लगाना ठीक है? क्या वाकई दिग्विजय ने वोट नहीं देकर बहुत बड़ी गलती की? आखिर नेताओं के वोट पर ही सबकी नजर क्यों होती है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो चुनाव आयोग समेत राजनीतिक दलों ने भी इस बार ज्यादा वोटिंग कराने के लिए पूरा जोर लगाया। दोनों दलों को आशंका थी कि कम वोटिंग से कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचे। नतीजा ये रहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम से कम मध्य प्रदेश में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन अब बवाल है दिग्विजय सिंह के वोट न डालने पर। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि दिग्विजय ने वोट न डालकर महापाप किया, तो शिवराज सिंह ने कहा कि दिग्विजय को कमलनाथ के प्रशासन पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने भोपाल नहीं छोड़ा। देखिए रिपोर्ट। भोपाल सीट पर भले ही चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसे लेकर सियासी खेल अब भी जारी है और इस सियासत की वजह है भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह। जी हां, वही दिग्विजय सिंह जो अक्सर अपने बयानों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके वोट न कर पाने को लेकर वो चर्चाओं में है। दरअसल दिग्विजय सिंह चुनावी व्यस्तता के कारण रविवार को मतदान के दौरान राघोगढ़ वोट डालने नहीं जा पाए थे। हालांकि उन्होंने प्रशासन से हेलीकॉप्टर के जरिए राघोगढ़ जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने नियम कायदों का हवाला देकर उन्हें अनुमति नहीं दी और दिग्विजय सिंह वोट नहीं डाल पाए। ऐसे में दिग्विजय के वोटिंग न करने पर अब पीएम मोदी ने उन पर निशाना साधा है। रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में वोट न डालकर दिग्गी राजा ने बहुत बड़ा पाप किया है। ये नर्मदा परिक्रमा भी मुझे बचा नहीं पाई, अब भोपाल वालों बचा लो वरना मेरी तो नौकरी चली जाएगी, रो रहे थे कल। और इसलिए वोट डालने की जरूरत भी नहीं मानी। लोकतंत्र में पसंद हो नापसंद हो सकती है, आपकी यहां के मुख्यमंत्री से खींचातान हो सकती है। दिग्गी राजा संभव है कि आपको वहां का उम्मीदवार पसंद न हो, वो आपका घर का झगड़ा है। अरे अंदर जाना था, उंगली दबाए बिना वापस आना था, लेकिन इतना तो कर देना था। आपका उनसे झगड़ा है, आपकी अंदरूनी लड़ाई है, इस प्रकार से खुली कर दी आपने, आप वोट का बहिष्कार कर दिया उनका, ऐसा क्या झगड़ा है आपका? अरे दिग्गी राजा, इतना क्यों डर गए? और आप तो जाकिर नाइक से भी नहीं डरते हो, फिर आपको
अपने ही क्षेत्र के लोगों से डर क्यों लगा? दिग्गी के वोट न करने पर शिवराज सिंह चौहान ने भी तीखा हमला बोला। शिवराज ने कहा कि जो खुद 10 साल मुख्यमंत्री रहा वो वोट डालने ना जाए, इससे बड़ा लोकतंत्र का क्रूर मजाक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं, हम सबको कह रहे हैं वोट डालिए वोट डालिए वोट डालिए, वो खुद वोट डालने नहीं जा रहे। लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, सबको प्रेरित करें और खुद ही वोट ना डालें, ये तो भारतीय लोकतंत्र का मजाक है, क्रूर मजाक। आप इतने घबरा गए और इतने स्वार्थी हो गए कि बस केवल मेरे लिए पोलिंग घूमू। क्या कमलनाथ जी के प्रशासन पे आपको विश्वास नहीं था? क्या आपके उम्मीदवार जो वहां खड़ी थी उसको आपको नहीं जिताना था? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिग्विजय जी आपको जवाब देना। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान भले ही दिग्गी के वोट न डालने पर निशाना साध रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद ज्ञान सिंह को लेकर चुप्पी साधी हुई है। शहडोल सांसद ज्ञान सिंह टिकट काटे जाने के कारण नाराज थे और उन्होंने शहडोल में 29 अप्रैल को हुई वोटिंग में वोट नहीं डाला था। खैर, यह कोई पहला मामला नहीं है जब कोई नेता वोट डालने न पहुंचा हो। हाल के दिनों में मेनका गांधी भी वोट डालने नहीं जा पाई थी, लेकिन इस बात पर भी पीएम का ध्यान नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो राजनीति बड़ी मज़ेदार चीज़ है जहाँ पर विरोधियों की छोटी छोटी बात भी नज़रों में आ जाती है और उसको बड़ा बनाया जाता है। इसको ही कहते तिल का ताड़ बनाना, लेकिन अपनों की जो गलतियाँ होती हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है, उस पर चुप्पी साध ली जाती। बहरहाल, चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ तो कुछ खास मान स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता आनंद तारण जी। आनंद जी, बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण तिवारी जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है। और हमारे सहयोगी मोहित श्रीवास्तव भी हैं। मोहित, आपके साथ भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आनंद जी सबसे पहले ये जो देखिए डबल अटैक हुआ है दिग्गी के वोट ना डालने पर, दिग्विजय जी के क्या जवाब है कांग्रेस के पास इसका? देखिए, दिग्विजय सिंह जी नियम कानून सबके ज्ञाता दृष्टा हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग को अनुमति मांगी, उन्होंने प्रशासन से भी अनुमति मांगी कि भाई हमें परमिशन दे दो, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। और ये संभव नहीं था कि अगर वो तीन बजे, साढ़े तीन बजे, चार बजे जाते तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, तो वोट का टाइम ही निकल गया था। तो ये और इसके बाद भी उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मैं नहीं गया, उसने समाचार पत्रों में भी छपाई ये सब चीज़ें। ये और अगर देश का प्रधानमंत्री अगर वहाँ विकास की बात नहीं कर रहा, देश के संबंध में बात नहीं कर रहा, देश की समस्याओं के संबंध में बात नहीं कर रहा, वो केवल दिग्विजय सिंह के ऊपर 5 मिनट तक बात कर रहा, तो इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक, इससे ज़्यादा निंदनीय बात, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि जो व्यक्ति अपने आप को विकास पुरुष बोलता है, हमेशा 24 घंटे देश की सेवा की बात कर, वो एक व्यक्ति के लिए अगर ऐसी बात बोल रहा। अच्छा, फिर मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा उनकी पार्टी के कितने लोगों ने किया या नहीं किया, करने सबको चाहिए था। दिग्विजय सिंह जी ने खेद व्यक्त कर दिया, तो निश्चित रूप से उनने अपनी बात को जनता तक भी पहुंचा दी, उनने उसको जो खास बात थी उसको आम कर दिया और उसमें माफ़ी भी मांगी उन्होंने। उनने अपने धर्म का पालन नहीं कर पाए, उन्होंने खेद व्यक्त किया और उसको सार्वजनिक भी किया। मैं ये कह रहा हूँ आनंद जी, आप जब भोपाल की जीत को लेकर सुनिश्चित थे, थे कि नहीं थे? थे ना, क्यों नहीं थे? तो फिर दिग्विजय जी चले जाते, क्या दिक्कत थी? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि उन्होंने अनुमति मांगी थी और उम्मीद थी कि मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जब भी राजगढ़ गए, आपने देखा होगा जितने भी राजगढ़ के उनके दौरे हैं वो रोज सार्वजनिक होते थे, उनका कार्यक्रम सार्वजनिक होता था। मैं भी उनको हमेशा फेसबुक पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे डालता था, और हमेशा वो जब भी उस एरिया में जाते थे, उस निर्वाचन क्षेत्र में जाते थे, हमेशा हेलीकॉप्टर का उपयोग करते थे। कल भी उन्होंने अनुमति मांगी थी, एंड टाइम पे प्रशासन ने मना कर दिया, साहब हम नहीं दे पाएंगे अनुमति।
तो उस समय ऐसी कंडीशन हो गई। अच्छा दूसरा ये है कि वो रात में 2 बजे तक जगते रहे निर्वाचन क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं से। देखिए मोदी जी को या बीजेपी को तो कहने का मौका मिल गया ना कि भैया आपकी कलह चल रही थी राघवगढ़ में या राजगढ़ में, या दूसरा शिवराज जी तो एक कदम आगे बढ़ के बोले कि शायद कमलनाथ प्रशासन पे भरोसा नहीं था दिग्विजय जी को, इसलिए उन्होंने भोपाल नहीं छोड़ा। इस पे जल्दी से कमेंट आप देखिए। एक बात है, क्या दिग्विजय सिंह जी क्या 24 घंटे भोपाल में ही बंधे रहे? जब वो चुनाव प्रचार में राजगढ़ गए हैं तो इसका मतलब ये कि उन्होंने चुनाव प्रचार भोपाल छोड़ के किया। कल था ना, तो कल से मतलब वोटिंग वाले दिन ही होता है। और निश्चित रूप से उनकी कर्तव्य है कि जहां चुनाव वो लड़ रहे हैं, जिस मैदान में हैं, जिस रण क्षेत्र में, उनके जो कार्यकर्ता उनके प्रति भी उनका उत्तरदायित्व होता है कि जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को भी पूरा बल दें कि आप लोग मेहनत से जी जान से वोटरों को निकलवाएं। मोदी जी बनारस में थे या कहां थे ये अलग बात है, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। सुनिए आप, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनके पास पूरे देश की जवाबदारी है। और उन्होंने अगर अपने क्षेत्र में वोट डालने गए निश्चित रूप से वो उनका कर्तव्य, लेकिन उनको परमिशन मिल गई, दिग्विजय सिंह जी को परमिशन नहीं मिली। दूसरा एक बात और है कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में अगर मोदी जी इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मोदी जी दिग्विजय सिंह जी से कितने डरे सहमे हुए हैं। निश्चित रूप से उन्हें आज दिग्विजय सिंह जी के लिए स्पेशल बोलना पड़ा। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता चेतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी देखिए क्या कह रहे हैं वो, आप मतलब 3-4 मिनट दिग्गी के वोट न डालने पर मोदी जी खर्च कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास की बातें तो है नहीं, आप एक मुद्दे और उन्होंने अनुमति भी मांगी थी प्रशासन ने नहीं दी, अलग बात, फिर आप इसको क्यों इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं? दीपेश जी, जब सारे हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दल के बड़े नेता एक आइकॉन लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि मतदान करिए, ये आपका मताधिकार का प्रयोग है, राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है। मुझे भी पता है कि दिग्विजय सिंह जी का एक वोट भोपाल में पड़ने से कुछ नहीं होना, जहां लाखों से आना वो लाखों में ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो? आप लोगों से अपील करते हो कि मेरे पक्ष में मतदान करिए, और जहां पर आपको ये मैसेज देना चाहिए आप चूके तो हो। और मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी से मोदी जी डर गए, तो भैया सामंत शाहियों से तो सारा देश डरा है। इन सामंत शाहियों ने ही तो इस देश को बर्बाद किया है। इन सामंत शाहियों परिवार वालों से ही तो हमारी लड़ाई है। विचारधारा की जो वैचारिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस चुनाव में भी जो हम लड़ रहे हैं, ये सामंतवाद के खिलाफ है, ये परिवारवाद के खिलाफ है। एक सामान्य जन की लड़ाई माननीय मोदी जी लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि देश का सामान्य वर्ग, सामान्य नागरिक, सामान्य जनता, भारतीय जनता पार्टी। चलिए आनंद जी, आपको कोई जवाब देना चाह रहे भाई? सामंत पूछूंगा चेतन जी से पहले, वो उनसे जरा ये भी बता दीजिए चेतन जी, अरुण जी ने कौन सा संदेश दिया कि ज्ञान सिंह जी वोट डालने नहीं गए थे, उनका पूरा परिवार वोट डालने गए थे, घर में बैठे रहे थे, वो कौन सा मैसेज दे रहे हैं? हाँ झेलता हूँ, आप कितना तो परेशान मत होइए। ज्ञान सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, क्या ये भी नाराज है देशवासियों से? इनको जनता ने नकार दिया देश में, तो हम तो कह रहे हैं उन्होंने गलती की है। मैंने कहा गांधी, जिन लोगों ने गलती की है दीपेश जी, उस पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, जो भी उसको एक्शन लेना होगा लेगी। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह जी नहीं गए तो क्या इन पे भी एक्शन कांग्रेस लेगी क्या? चलिए सामंत वाली बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की संरचना तो महारानी सिंधिया ने की थी, तो भैया उनके बारे में क्या विचार है आपका? आपकी पार्टी की जनक वो थी, आपकी पार्टी की नींव सामंत शाही ने रखी थी, उनके बारे में भी कुछ बता दें आप। भारतीय जनता पार्टी किसी के सामंत शाही की नींव पर नहीं है। अरे महारानी सिंधिया ने और उनके पुत्री है आज भारतीय जनता पार्टी की, दो बैसाखियां बन के चल रही है मेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व के इकलौते स्वयं सेवक संघ की उपज है और उनकी विचारधारा से ही चलती है और वहीं से पार्टी बनकर। महारानी सिंधिया के बारे में क्या विचार है आपका, बताएं जरा उनके बारे में। महारानी सिंधिया जी, राजमाता सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी में सामंत शाही की तरह कार्य नहीं किया, एक कार्यकर्ता बनकर के काम किया है। वे राजमाता इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। लेकिन चेतन जी, 5 मिनट दिग्विजय पर खर्च करना अपनी चुनावी सभा के मोदी जी के लिए, वो बता रहे की महाआश्चर्यजनक और महानिंदनीय है, आनंद जी कह रहे हैं। देखिए हम 5 मिनट इनके ऊपर खर्च नहीं करें, उस सारे विजुअल को आप देखिए तो बहुत सारी बातों के बहुत सारे मायने हैं। चूंकि माननीय मोदी जी प्रदेश के दौरे पर थे और इस प्रदेश में राजा साहब का जलवा सब लोग जानते हैं, सब उनके चाल चरित्र चेहरे को जानते हैं, और जिस प्रकार से महिमा मंडन करके उनको भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने फंसाया है, वो बाकी पीड़ा तो आप राजा साहब से पूछिए।
लेकिन राजा साहब को मध्य प्रदेश के साथ सारा हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो तालिबान से चल करके हिंदुत्व लेकर के, एक नया हिंदुत्व लेकर के आती हो, कहते ना कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता है, तो जिस हिंदुत्व को मानते हो तालिबान से चल करके आती है, आतंकवाद की जननी से चल करके आती है। बिरयानी खाने गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान, बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, और शायद देश का पहला प्रधानमंत्री था जो पाकिस्तान गया था, आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया पाकिस्तान। बीफ राजू बिगड़ बुलाए गए थे, बिगड़ बुलाए गए थे मेरे भाई, बीफ बीफ सोनिया जी खाती है, प्रियंका वाड्रा, आप उसकी बात करो मेरे भाई, देखिए उनने वो क्लासिफाइड कर दिया साहब, ज्ञान सिंह इसलिए नहीं गए थे, उन पे पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों नहीं गया, वो उसको इश्यू बना रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि बेहद अनुचित बात है ये, सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह को वोट डालने जाना चाहिए था, क्योंकि दिग्विजय सिंह अकेले वहाँ वोट डालने का मतलब नहीं था, मतलब था कि अगर वो राजगढ़ में वोट डालती तो कम से कम 10 से 20 हज़ार वोट कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा पड़ते, यदि दिग्विजय सिंह राजगढ़ के हैं, वहाँ से उनका लंबा संसदीय इतिहास रहा है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और राधोगढ़ से वो आते हैं, राजगढ़ सीट उस पर लगती है, तो दिग्विजय सिंह को वाकई अगर मोना सुस्तानी एक वोट से हारती हैं मान लो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जिम्मेदार दिग्विजय सिंह होंगे। और वाकई ये बिल्कुल ठीक बात है कि आइकॉन है, आइकॉन होते हैं जो हमारे बड़े नेता होते हैं, और वो अपील करते हैं सारे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके सांसद से लेके पार्षद तक, यदि और आम आदमी तक यदि अपनी उंगली दिखाता है, जो सिंबल दिखाता है कि वो वोट डाल के आया, वो ऐसे ही नहीं है कि राष्ट्रपति ने दिखा दी क्योंकि वो वोट डाल के आया है, ये बहुत अनुचित बात है। 3 घंटे का सफ़र था राजगढ़ का, मुझे लगता है गाड़ी से, तरन जी 3 घंटे ही लगते होंगे ना कार से, तो भाई अगर वो गाड़ी से जाते तो गाड़ी वोट का टाइम निकल जाता तो डाल नहीं पाते, अरे 7 बजे चले जाते महाराज, 7 बजे चले जाते, 8 बजे चले जाते, 11 बजे लौट के आ जाते, उनको हेलीकॉप्टर जाना है और 3 बजे का टाइम निश्चित था जाने का, जब 3 बजे के बाद पता चला कि उन्होंने मना कर दिया, तो उसके कई एक्सक्यूज निकल आएंगे, आपने काम नहीं किया है, गलत काम किया है, अनुचित काम किया है, इसको आप एक्सक्यूज से ढको मत, अनुमति 3 बजे नहीं मिली तो 8 बजे गाड़ी सुबह चले जाते ना, क्यों हेलीकॉप्टर के लिए बैठे रहे, वोट डालना जिम्मेदारी है इस हर एक नागरिक की, चुनाव आयोग काय के लिए लगा है, बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता क्यों इसका प्रचारित करते हैं, और आप फिर क्यों बोलते हो भोपाल में कि हर आदमी को वोट डालना चाहिए, अरे जो खड़ा है वो वोट डालने नहीं जा रहा, फिर आपका हक नहीं बनता कि आप बोलो कि आप हमारे पक्ष में वोट डालने जाइए। अरुण जी निश्चित रूप से आप सही बात बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने माफी मांगी है, और दिग्विजय सिंह जी ने उन एक वोट से हारी मोना सुस्तानी तो कौन जिम्मेदार होगा, बिल्कुल बिल्कुल हम जिम्मेदार होंगे, लेकिन मोना सुस्तानी बहुत हजारों वोटों से जीतेंगी, ये भी हमारा वादा, दिग्विजय सिंह जी लगातार मकाम किया। अच्छा दूसरा ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने 3 बजे की परमिशन मांगी थी, 3 बजे के बाद निर्वाचन आयोग ने प्रशासन ने मना कर दिया कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, और 3 बजे के बाद अगर वो जाते तो समय पे वहां नहीं पहुंच पाते, अरे मगर कैसे, अरे भाई जो व्यवस्था थी बहुत सारी आदमी अगर प्रधानमंत्री ये सब नहीं बोलते तो ये सब बातें नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ये, अरे प्रधानमंत्री को विकास की बात करना थी, प्रधानमंत्री को ये बोलना था कि हमने ये काम किया, प्रधानमंत्री को ये बोलना था कि हम आगे ये करना चाहते हैं, अरे वोट ना डाले, उन्होंने एक्सक्यूज करा ना, उन्होंने माफी मांगी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, और उनको किसी ने पहले बोला नहीं, उन्होंने खुद अपने आप आगे बढ़ के उस चीज के माफी मांगी, हम नहीं आ पा उसकी। ये क्या जो शिवराज जी तंज कस रहे की भैया कमलनाथ प्रशासन पे भरोसा नहीं था, इसमें क्या सच्चाई कुछ नजर आ रही है? बिल्कुल वोट एक अधिकार है, वोट देना चाहिए, कर्तव्य है अधिकार से बड़ा तो, और इस खासकर मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक वोट देना एक प्रभाव बनता है, अगर आप अपने क्षेत्र में अपने बूथ पर जाते हैं तो एक जनता पर एक मैसेज आता है, वो तो हो गया, लेकिन क्या ये क्या जो शिवराज जी को मौका मिल गया कहने का, ये क्या लग रहा देखिए इस तरह के अगर इशू बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा बनना चाहिए, और ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है,
इसके पहले भी कई नेता जो कि अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, और लोकसभा 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। अगर दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली का वोट, अगर वो मतदाता अगर इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहा है और उसमें कहीं और दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है, वोट नहीं डाल पाया, और अगर उनकी मजबूरी है कि वो सुबह से जनता के बीच में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे अधिकार, हमको चेहरा दिखा रहे हैं। दिग्विजय को कहीं घबराहट तो नहीं थी कि वाकई अगर मैं हटा भोपाल से तो कहीं कुछ खेल ना हो जाए? निश्चित रूप से मुकाबला बिल्कुल टफ है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुबह से ही आरिफ अकील और दूसरे जो मंत्री नेता थे उनके साथ दिग्विजय सिंह सुबह से लगातार भोपाल की गलियों में घूम रहे थे और जनता के बीच में दिखाई दे रहे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल एक घबराहट होती है और उम्मीदवार है। नहीं, देखिए शिवराज जी कहने का मतलब ये है कि कई कमलनाथ जी का प्रशासन कोई उन पर भरोसा नहीं था। खैर, चेतन जी को बीच में लाऊंगा मैं। चेतन जी, ये मतलब आप यहाँ पहुंच के क्या फूट डालने वाली बात है कि मोदी जी वहां कह रहे अरे सुस्तानी जी से नहीं था कोई वास्ता, नहीं देना था वोट, तो यानी इस तरह के अब आप क्या मजे लेने वाली स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? हम क्यों पैदा कर रहे हैं, ये अवसर क्यों देते हैं इस तरह के लोग मजे ले? मुझे बताइए ना, तमाशा ये खुद खड़ा करते हैं फिर कहते हैं आप आंखें बंद कर लीजिए, ऐसा नहीं होता ना। दरअसल दिग्विजय सिंह साहब खुद भी राजगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, ये सारा प्रदेश जानता है कि किन परिस्थितियों में कैसे कैसे उनको भोपाल लाया गया है, और आज जब माने शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बातें रखी हैं तो उन बातों के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। दीपेश जी, कोई बातें बिना मतलब की नहीं है, ये अलग बात है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह जी के समर्थक हैं वो इस बात को इनकार करें, लेकिन सच बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के शासन पर माननीय कमलनाथ जी के अधिकारियों पर दिग्विजय सिंह जी का और उनकी टीम का भरोसा नहीं है, ये सच बात है, ये सारा प्रदेश जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी में चुनाव लड़ने के बाद दिग्विजय सिंह जी को ये पहली बार आवाज हुआ है कि मैं गलत फंस गया गुरु, मैं तो लोगों को फंसाता था अभी तक, यहाँ तो मैं ही फंस गया। बहुत करी जी, बहुत मेहनत की बाकी जी। नहीं, अरुण जी कुछ पूछ रहे हैं आप। चेतन जी, आपको लगता है कि यहाँ तो ठीक है लेकिन वहाँ की शिवराज जी, राकेश सिंह, प्रभात झा, उमा भारती, इन सब के बीच में सब कुछ ठीक है क्या? देखिए, आज हम जब वहाँ तो वहाँ से भी बहुत निकल रहा है। नहीं, मैं कहूँ, अब आप विषय को डाइवर्ट करके बात करो या तो फिर उस विषय पे बात कर लो। नहीं, आप तो बता दीजिए, विषय तो सारे ही आएंगे, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चेतन, भारतीय नहीं चलना चाहिए दूर तक है क्या, मैं तो कहता हूँ मीलों चलना चाहिए, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में इस सतह पर तो इस तरह की लड़ाई नहीं है जिस प्रकार की कांग्रेस में है। हमारे यहाँ जब माननीय शिवराज पोलिंग बूथ पे आपके कार्यकर्ता नहीं थे पोलिंग बूथों पे भैया? अरे भैया, आपके निर्वाचन एजेंट नहीं थे बहुत सारे पोलिंग बूथों पर भोपाल में? कैसी बात कर रहे हैं, पहली बार हुआ होगा? आपके यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कैसी बातें कर रहा है आप? संसार की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी हर पोलिंग, दिग्विजय सिंह जी हर विधानसभा क्षेत्र से लीड लेंगे, ये भी लिख लीजिए आप। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी किसी और का डर नहीं, कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी एक ही तहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अरे आप कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, बिखराव तो आपकी पार्टी में, कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट ना देके दूसरे को हवाई जहाज से लेके आया, चेतन जैसा आदमी, निष्ठावान आदमी बैठा रहा, उसको छोड़ के दूसरे को सवाल खड़ा हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा अपना वक्तव्य दे दें कि जो प्रज्ञा ठाकुर को हिंदू हृदय सम्राट की तरह प्रायोजित किया गया भोपाल में, वो 70% नहीं पहुंच पाई, दावा था बीजेपी का 85% वोटिंग होगी लेकिन बमुश्किल 65% हो पाई, वो कहां गया वो वोटर जो हिंदू हृदय सम्राट को वोट देने के लिए नहीं निकला गया? बमुश्किल पिछली बार से आप कह सकते हो कि ज्यादा हुई है, वो तो वोटर बढ़ते हैं तो हर साल ज्यादा होती है, लेकिन वो कहां गया? 70-75-80 लोग उम्मीद लगाए थे 80%। चेतन जी, हेलो। हाँ चेतन जी बोलिए। ऐसा है कि इस भोपाल के वोटिंग के आप इतिहास को उठा करके देख लिए कि लोकसभा चुनाव की पोलिंग कितनी होती थी, और दूसरा इस बार इतिहास उठा करके देख लिए कि हमने पोलिंग में जो भी किया है आज हम 70% के आसपास आए हैं, और दूसरा जो आप हिंदू हृदय सम्राट की बात कर रहे हो, तो हिंदू हृदय सम्राट हर हिंदू है और हर हिंदू ने अपना काम दिखाया है, आप चिंता मत करिए। जो रिजल्ट आएगा वो हिंदू ठाकुर पहली बार हुई है, पहले हुई होती तब पहले बात हो जाती, के चल करके आए हुए उनकी विचारधारा के लोगों का वोट न हमको चाहिए न हमको मिला है।
देखा जी, हमें ना चाहिए ना हमें मिला। खैर शुक्रिया चेतन जी आपका। लेकिन आनंद जी क्या अब ये कांग्रेस का इसका जिस तरह से 5 मिनट अगर खर्च कर रहे मोदी जी, तो क्या कांग्रेस को नहीं एक जवाब देना चाहिए, एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को इस बारे में क्या कहे, दिग्विजय सिंह जी ने अपनी एक्सक्यूज बोल दी, समाचार पत्रों में वो चीज़ आ गई है कि दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं गए थे, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। इसके बाद कोई बात नहीं बनती। प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात बोली है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में हताशा है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से जो कैंडिडेट आया था वो प्रधानमंत्री का खुद का कैंडिडेट था, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को मलाल है कि हमारा कैंडिडेट की बहुत बुरी गत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली है। हाँ। और निश्चित रूप से हम भोपाल की 8वीं विधानसभा से लीड लेंगे। ये मैं आपके चैनल से पहली बार आज बोल रहा हूँ। 23 मैंने आपसे क्या बोला कि आपके चैनल से पहली बार बोल रहा हूँ कि भोपाल संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा क्षेत्र से हम जीत लेंगे। 3.5 लाख से जीत जाएंगे। मैंने क्या बोला आपसे? चलिए यहाँ जी, मैंने क्या बोला कि हर विधानसभा क्षेत्र से हम लीड लेंगे। अब कितने वोटों से जीते बीजेपी ये भूल जाती है कि अगर एक उंगली दूसरे की तरफ, और ये दोनों राजनीतिक दलों का हाल है कि एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ मुड़ जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका, अरुण जी आपका, आनंद जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे यहाँ पर दिल्ली के दावेदार के साथ, एक नए पैनल के साथ। चलो ले लो, नहीं कोई का नहीं आ रहा। किसी का फोन आ रहा है क्या? आपका आ रहा है क्या? वो उसको वाइब्रेशन हटा देना, वाइब्रेशन हटा देना। नहीं तो ये सुबह 9 बजे आ जाएंगे मालूम है अपने यहाँ पर, ये 9 बजे लेकर आना। नहीं तो हम याद दिला देंगे, 8 बजे का समझ रहे हैं। नहीं सुबह 9 भी और रात को 9 भी यही है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों यही है बैट्समैन। हाँ 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 सुबह ले आऊंगा मैं, सुबह रहोगे तुम? सुबह 9 बजे रहोगे? अच्छा उनके लिए लाएंगे फिर, ठीक है अभी निपटते हैं। जेनी का खिलाएंगे यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली के दावेदार और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट का करेंगे राजनीतिक विश्लेषण और जानेंगे कि क्या है इन सीटों पर राजनीतिक जातिगत समीकरण। साथ ही बताएंगे कि इस सीट पर जो कि कांग्रेस का गढ़ है इस बार मुद्दे हावी रहे या फिर वही एक चेहरा कांतिलाल भूरिया का, इसके अलावा क्या कोई तीसरी ताकत यहाँ काम कर रही है और फिलहाल किसका पलड़ा है यहाँ पर भारी। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली के दावेदार। तो मध्य प्रदेश की रतलाम संसदीय सीट पर इस बार
दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया छठी बार मैदान में है, उनके सामने बीजेपी से विधायक जीएस डामोर हैं जिन्होंने ये चुनाव जीता था और कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को हराकर ये चुनाव जीता था। गुजरात की सीमा से सटी मध्य प्रदेश की रतलाम संसदीय सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। 1952 से लेकर अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में से कांग्रेस को केवल 3 बार हार का सामना करना पड़ा, वहीं बीजेपी सिर्फ एक बार यहां चुनाव जीत पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिलीप सिंह भूरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी और उस समय केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया को शिकस्त देकर पहली बार इस सीट को बीजेपी की झोली में डाला था, लेकिन अगले ही साल 2015 में दिलीप सिंह भूरिया के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए और इसमें कांतिलाल भूरिया ने इस सीट पर वापसी करते हुए दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को हराकर सीट कांग्रेस को वापस दिला दी थी। रतलाम लोकसभा सीट पहले झाबुआ नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद रतलाम नाम से ये अस्तित्व में आई। इस क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया 5 बार कांग्रेस से तो 1 बार बीजेपी से सांसद रहे, वहीं कांतिलाल भूरिया 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार के चुनाव में यहां रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया छठी बार मैदान में हैं, वहीं उनके सामने बीजेपी से झाबुआ विधायक जीएस डामोर प्रत्याशी हैं। डामोर वही हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले विधानसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को चुनाव हराया था। आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर आरएसएस अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए है, इसके बावजूद यहां 2014 का लोकसभा चुनाव छोड़कर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी की जड़ें कमजोर हुईं। रतलाम संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, वहीं 3 सीट बीजेपी के पास है। 2013 के विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया था, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस यहां 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। बीजेपी ने इस बार नया चेहरा उतार कर कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को चुनौती दी है। प्रचार प्रसार में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पीछे नहीं रहे, दोनों ही दल बराबर की ताकत दिखा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर लंबे समय से इंदौर दाहोद रेल लाइन और इंदौर अहमदाबाद 4 लेन का काम पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। रतलाम संसदीय सीट पर 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग होनी है, जीत किसे मिलेगी 23 मई को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और दिल्ली के दावेदार में चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में, एक नया पैनल है हमारे साथ। आनंद तारण जी कांग्रेस की ओर से हैं, सुमित रघुवंशी जी बीजेपी की ओर से हैं। सुमित जी आपका स्वागत है, और हमारे साथ योगी मोहित श्रीवास्तव हमारे साथ में। मोहित जी आपका स्वागत करते हुए, लेकिन चर्चा को आपसे शुरू करें उसके पहले हम सीधे रतलाम का हाल आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी आशीष पाठक जी रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, स्थिति क्या है? कांग्रेस का गढ़ माना जाता है झाबुआ, और वो रतलाम सीट में अब मर्ज हो गया है, और ऐसे में जब भूरिया छठी बार मुकाबले में है, तो क्या भूरिया के लिए कुछ इस बार मुश्किलें हैं या फिर कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी? देखिए, आपको आपको मैं इस बारे में बताऊं, इसके पहले आपको दो चीजें समझना पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रतलाम में सभा हुई, कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी की सभा हुई। दोनों ने भावनात्मक रूप से कार्ड खेला, दोनों ने लोगों को मन के टटोलने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रतलाम में आए, उन्होंने अपने भाषण की जो शुरुआत करी, वो सबसे पहले उन्होंने जो शब्द बोला, उन्होंने रतलाम की कालिका माता और गढ़ कैलाश को प्रणाम शब्द बोला। ये रतलाम के लिए इन दोनों का उतना ही महत्व है जितना उज्जैन में महाकाल का, या मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मेहरवाली माता जी का है। उन्होंने सीधे से लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश करी। इसके ठीक विपरीत अगर दोपहर में प्रियंका गांधी की जो सभा हुई उस बारे में आपको बोलूं, तो उन्होंने भी लोगों के मन को टटोला, उन्होंने अपने आप को लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने दो महत्वपूर्ण शब्द बोले, उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की कॉपी हूं, और इंदिरा गांधी आम लोगों के बीच में से आती है।
एक बात। दूसरी चीज मैं आपको इंदिरा गांधी के बारे में अगर बताऊं और या सोनिया गांधी जी के बारे में बोलूं, कांतिलाल जी जो बुरिया चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में बोलूं, आपको एक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा पीछे के परिदृश्य में। 1996 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी से पहली बार प्रत्याशी के रूप में दिलीप सिंह बुरिया चुनाव लड़े थे। 1980 से लेकर 91 तक के चुनाव में वे लगातार जीतते रहे कांग्रेस की तरफ से। उनका ये डर था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस उनका टिकट काट दे, इसलिए वो भाजपा से चुनाव लड़े। सबसे बड़ी बात ये हम लोगों ने उस समय देखा था, उन्होंने जब लोगों के बीच जनसंपर्क के लिए आदिवासी क्षेत्र में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं फूल वाली कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको झाबुआ और अलीराजपुर के अगर परिदृश्य को समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि लोग मगरों में रहते हैं, टोलों में रहते हैं। आज भी आप चाहे कितनी आधुनिकता की बात कर लें लेकिन जो आदिवासी वर्ग है बहुत आसान शब्द में समझ लीजिए वो इंदिरा गांधी को जानता है, वो नरेंद्र मोदी को नहीं जानता, वो राजीव गांधी को नहीं जानता और वो राहुल गांधी को भी नहीं जानता है। वो आज भी अगर किसी को जानता है मगर टोलों में रहने वाला तो वो इंदिरा गांधी को जानता है। ठीक है जी, तो ये मतलब नहीं, लेकिन अभी प्रचार की दौड़ में ऐसा लगा था कि डामोर बड़ी चुनौती बनेंगे कांतिलाल के लिए, वो आपने क्या देखा, क्या महसूस किया वहाँ? देखिए बहुत बिल्कुल आपका कहना सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से इस गेम में थोड़ी सी अपनी स्थिति को मजबूत करा है। 2014 का चुनाव लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस क्षेत्र में चुनाव जीती थी अपनी स्थापना के बाद। 1980 में बीजेपी बनी और उसके बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चुनाव में जीत ली। 2015 में सांसद जो थे दिलीप सिंह बुरिया उनकी डेथ हो गई, उनके बाद उपचुनाव में बिल्कुल इतिहास हमने बताया। आशीष जी आप तो अभी इस चुनाव का हाल बताइए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है। देखिए इस चुनाव में बिल्कुल बहुत समझ लीजिए कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है और ये हार रहा है। हाँ। लेकिन अगर हम इस बात प्रचार की बात करें तो दोनों जने अपने प्रचार को बहुत तेजी से और बहुत मजबूत से घर घर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा मुद्दे कुछ वहां पर उठे स्थानीय? देखिए स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही, भाजपा की तरफ से बात करें तो मुद्दा मोदी है, मुद्दा है सिर्फ मोदी के, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी मैदान में है। यानी दिलीप सिंह भूरिया की जगह क्या डामोर ले पाए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले पाए। मैं आपको बता दूं कि वो चूंकि विधायक है, वो दूसरी चीज ये है कि वो झाबुआ से वहीं के रहने वाले हैं और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने पहली बार जब विधायक बने तो उन्होंने करीब 16,000 वोटों से जीत दर्ज करी है और वो झाबुआ और अलीराजपुर में बहुत तेजी से जनसंपर्क और अच्छा जनसंपर्क कर रहे हैं। जो हमको फीडबैक मिल रहा है वो ये कि एक दिन में कम से कम जो है 10-10, 20-25 गांव में जाना, लोगों से चौपाल के बात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारा झाबुआ है, ये पिछड़ा हुआ है, हमको इस तरीके से काम करके इसको। अच्छा मोदी फैक्टर में कितना काम कर रहा है? अगर मैं रतलाम संसदीय सीट की बात करूं तो बहुत ईमानदारी से आप समझ लीजिए यहाँ पर फैक्टर के रूप में अगर बात करें तो मोदी के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई लहर नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए आनंद जी दो मुश्किलें आपके, तीन मुश्किलें कहूंगा मैं। एक तो जीएस डामोर जो विधायक और कांतिलाल भूरिया के बेटे को चुनाव हरा कराए थे, एक दूसरा आरएसएस वहां पर अपनी जड़े चूंकि वनांचल में काफी काम किया आरएसएस ने इसलिए वो वहां पर पूरी तरह सक्रिय, और तीसरा कि मोदी फैक्टर वहां पर काम कर रहा है बनिस्बत राहुल गांधी फैक्टर के। देखिए भूरिया जी कोई पुराना चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है, निश्चित रूप से जो नेक टू नेक काम करता है जो मिलता है, और भूरिया जी का नेचर बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत सरलता से मिल जाते हैं और बहुत प्रेम से बात करते हैं सबसे, गुस्सा नाम की चीज़ उनको आती नहीं। और जब हमने राजधानी में उनकी ये बात देखी तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ रहते हैं जहाँ वो विचरण करते हैं तो वहाँ उनके संबंध और ज़्यादा सौहार्दपूर्ण होंगे, क्योंकि अपने वोटर से तो आदमी और सौहार्दता का तो उनको, और एक बार शायद वो हारे हैं तो उससे भी चौदह का हारे हैं पिछले चुनाव हारे ना, तो निश्चित रूप से उनको उस चीज में और उनने उस बात को देखा होगा कहाँ में तकलीफ है, निश्चित रूप से कांग्रेस को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, वो कांग्रेस जीत के आई क्योंकि पिछली बार तो मोदी फैक्टर था, इसके बाद फिर वो चुनाव लड़े जहाँ जब भी वो जीत के आए क्योंकि जब वहाँ उनकी मिसेज खड़ी हुई थी तो निश्चित रूप से उनको मिलने चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी मोदी लहर नहीं चली उस समय पर, उनकी बेटी थी तो हाँ उनकी बेटी थी तो निश्चित रूप से अगर आज अब मोदी जी का जो जादू पहले था वो आज जादू नहीं थे, आ गए बीजेपी में वही भूरिया की वजह, कांतिलाल भूरिया की वजह से आ गए लेकिन वो नहीं उस चीज को आगे बढ़ा पाए, उनका निधन हो गया। बहरहाल सुमित जी देखिए मुश्किल है क्या, विधानसभा चुनाव में 7 सीटें कांग्रेस के पास गई है, ये आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और दूसरा वहां इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दो नेता ही हैं और आज प्रियंका गांधी है तो उन्होंने कहा मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, यानी उस चीज को उन्होंने लोगों को याद दिला दिया है। देखिए एक अच्छी चीज आज देखने में आने लगी है कि कांग्रेस के नेतागण कम से कम आज मानने लगे हैं कि 2014 में मोदी लहर थी,
मैं समझता हूँ 23 तारीख के बाद मोदी लहर के साथ विकास लहर भी अचानक साथ में मिलके आ गई, अंडर करंट आ गया, ये कांग्रेस के नेता 23 तारीख के बाद मानने लगेंगे। और रही बात रतलाम सीट की, तो मैं समझता हूँ 2014 में मोदी लहर की वजह से आप रतलाम संसदीय क्षेत्र हम जीते थे ये समझ लीजिए, या इस बार बहुत सारे फैक्टर और जुड़ के आते हैं कि हम तो बोलते हैं कि मोदी लहर के साथ एक विकास की लहर भी साथ में जुड़ के आई है, तो निश्चित तौर पर हम फिर से की चुनाव जीतेंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। लेकिन छठी बार हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, और वहाँ पर भूरिया जो जातिगत समीकरण है वो पूरा भूरिया के पक्ष में जाता है। जातिगत समीकरण मैं समझता हूँ आज का चुनाव जो होता है विकास के मुद्दों पर होता है, जातिगत समीकरण पे जो चुनाव लड़ता है आज लगभग साक्षरता दर जो है वो लगातार बढ़ते आ रही है, और साक्षर व्यक्ति ये समझता है कि आज भी जो जातिगत मुद्दों पे चुनाव लड़ता है उसको वो कमजोर मानते हैं, विकास की बात करने वाला और जो अपनी बात पर अडिग रहे, जो अपनी बात से बार बार ना फिरे, ऐसे लोगों को जनता चुनना चाहती है। तो मोदी एक अकेला ऑप्शन है, सारे हर जगह से मोदी 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 की बातें चलती आ रही है, और मोदी ही चुनाव जीतेगा ये ऐसा मेरा भरोसा है। मोहित जी, ये आपसे समझना चाहूंगा, रतलाम में दोनों गए सभा करने, प्रियंका गांधी भी और नरेंद्र मोदी भी, अब सभाएं कहां कहां हुई हमने पिछले चरणों में देखा, या तो जहां पर बिल्कुल जीत की उम्मीद नहीं है तो बड़े नेता नहीं गए, जैसे छिंदवाड़ा नहीं गए मोदी जी या गुना नहीं गए, या जहां पर थोड़ा लग रहा है कि डांवाडोल है लेकिन हम कब्जा कर सकते तो वहां पर चले गए, या फिर एक सेफ जोन में गए कि जहां पर पता है आसपास की सीटों पर भी असर पड़ना है। रतलाम अगर दोनों गए तो उसके आप क्या मायने निकाल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आप सोनिया गांधी, ये माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी जब राष्ट्रीय महासचिव बनी तो ये इस चुनाव में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथा चरण 19 तारीख को है, तो पहली बार जो है प्रियंका मध्य प्रदेश आई चुनाव प्रचार करने, उज्जैन पहुंची, उज्जैन के बाद उन्होंने रतलाम में सभा ली। रतलाम की अगर बात करें तो कांतिलाल भूरिया सोनिया गांधी के परिवार के काफी करीबी हैं, प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, एक बड़ा कद है। और रतलाम सीट जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक आदिवासी सीट है, एससी सीट है, और एक बड़ा मतलब मध्य प्रदेश की, हाँ, और काफी बड़ा दबदबा है, गुजरात से सटी हुई सीट है, धार और अलीराजपुर और रतलाम, ये तीनों जिलों को मिलाकर ये सीट यहाँ पर बनाई गई है। आज सुबह मोदी जी उन्होंने वहाँ पर रैली की, उन्होंने भी संबोधन किया, हालांकि उनके भाषणों में वही जो चीजें रहती हैं विकास को लेकर, और दिग्विजय जुड़ गए थे, हाँ दिग्विजय भी जुड़ गए थे, सबसे बड़ा कि वो वोट नहीं डाले। लेकिन आज अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का जो अंदाज था, एक तो पहला उन्होंने अपने आप को अपनी जो दादी सोनिया इंदिरा गांधी से उन्होंने बताया कि उनका चेहरा उनसे मिलता है। दूसरा चीज, जब वो सभा खत्म की तो आप देखे होंगे कि बैरिकेड्स को तोड़ते हुए वो आगे निकल गई, एसपीजी के जो नियम होते हैं उनको तोड़ते हुए जनता के बीच में चली गई, यही जो है सबसे बड़ा है। अभी बीच में हमने फुटेज देखे थे यूपी में, वो घरों में चली गई आम जनता से मिलने, उनको सबको गले लगाया, तो ये कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर है। और 2014 अगर हम देखा जाए तो पहली बार जब बीजेपी हारी यहां पर जीती थी और कांतिलाल भूरिया हारे, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि वहां पर कांतिलाल भूरिया के प्रति बहुत नाराजगी थी, और 2013 में जब एक भी जीत सीटें नहीं जीत पाई थी कांग्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन आप देखिए कि जब दिलीप सिंह भूरिया जीते और उनका 2015 में निधन हो गया तो वहां पर वापस फिर कांग्रेस आ गई, और उसका भी एक फैक्टर था कि उस समय एक पेटलावत बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो भी एक बड़ी नाराजगी थी, और कांतिलाल भूरिया वहां पर वापस उन्होंने जीत दर्ज कर दी। लेकिन आज दोनों की सभाएं हुई हैं, और जीएस डामोर बड़े नौकरशाह रहे हैं मध्य प्रदेश के, और झाबुआ में जिस तरह से उन्होंने विक्रांत भूरिया को चुनाव हराकर विधायक बने, तो एक कहीं ना कहीं फैक्टर है, और टक्कर जो है बराबर की टक्कर है, जिस तरह से आशीष जी ने भी बताया कि दोनों के बीच में बराबर की टक्कर है, और ठीक है अभी अब कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए आनंद जी, छिंदवाड़ा और गुना में मान लेते राजनीतिक विश्लेषक भी कि ठीक है भाई, वहाँ बस जीत हार का अंतर कितना रहता है, लेकिन जीत किसकी होगी लगभग सुनिश्चित रहता है। लेकिन इस बार रतलाम को लेकर सब सवाल उठा रहे हैं कि भाई भूरिया जी इस बार बड़ा मुश्किल है, जीएस डामोर है जो विधायक है, और बीजेपी ने भी देखिए केवल एकमात्र विधायक को टिकट दिया और उन पर दांव इसलिए लगा कि ये सीट हम हथिया सकते हैं, मोदी आधा मोदी और आधा डामोर, तो ये आपको नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किलें हैं रतलाम को इस बार बचा रखना? दीपेश जी एक बार बताऊं, मैंने आपके चैनल पे बार बार बोला हूँ, हम 20 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे मध्य प्रदेश से लोकसभा की, तो ठीक है ना, 9 में हो सकता है रतलाम हो, सुनिए लेकिन रतलाम सीट तो स्टेटस सिंबल है कांग्रेस, हाँ यही तो हम कह रहे हैं ना, जीतेंगे और उससे हम बहुत गंभीरता, क्योंकि हमारे पास विधानसभा की 7 सीट है तो निश्चित रूप से जीतेंगे, और मोदी जी का
जो विकास की बात करते थे, तो विकास की तो कहीं बात ही नहीं है। अगर विकास की बात होती तो भोपाल में लोकल कार्यकर्ता को देते, कहाँ हवाया यहाँ से नेता ले आए। भाई हमारे ऊर्जावान हमारे जो कार्यकर्ता बाजू में सुबह ही बैठे, इनका भी नंबर आएगा, ठीक है ना, भाई इनको टिकट दे देते तो भी अच्छा लगता है, चलो एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया। जो अपने आप तारण जी को भी कहा मिला, तारण जी ने कितना चुनाव लड़ा ये बता दीजिए। नहीं तारण जी मांगते नहीं, लेकिन मांगते नहीं तो वो भी नहीं मांगते। सुनिए तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत सारे नेता मांग रहे थे, नहीं मिला उन्हें। लेकिन एक बात है कि जो कांग्रेस हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो जनता से वायदे किए थे, वो वायदे कहाँ हैं? किन वायदों पे वो आए थे? जिन वायदों पे दो सीटों से 282 सीटें लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, वो वायदे कहाँ है? कहाँ काला धन, कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, कहाँ है राम मंदिर, चुनाव ये चुनावी मुद्दे हैं, तो याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों के माध्यम से जनता को। एक बात बताइए, मैं इंदिरा जी की पोती हूँ, ये कौन सा मुद्दा है भाई? देखिए ये सब मामले अलग है, ये क्यों अलग होगा? ये व्यवहारिक पहलू है की भैया हमारा दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी 2 महीने पहले राजनीति में आई, राजनीतिक दल को नहीं 2 महीने पहले नहीं आई, आप 4 महीने पहले उन्होंने कई लोकसभा के चुनाव कांग्रेस के मेंबर रहते हुए नहीं करा। सुनिए तो कई घर के सदस्य के तौर पर लड़े, ठीक है ना भाई, राजनीति में तो घर के सदस्य के तौर पर याद नहीं आता है, और हर पार्टी में ऐसा है कि कोई ना कोई आता है। उन्होंने प्रियंका गांधी कई चुनावों में राहुल जी के चुनाव और सोनिया जी के चुनावों में पार्टी और उनके पूरे चुनाव पार्टी में एंट्री कब हुई है? 4 महीने पहले एमपीएन वो करती, तो निश्चित रूप से अगर अरे भाई अगर उनकी 4 महीने पहले एंट्री हुई है तो साध्वी की तो 1 दिन पहले एंट्री हुई थी, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिनका कोई राजनीतिक परिदृश्य नहीं था, उनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, केवल उनका एक ही प्लस पॉइंट था। साध्वी गांधी परिवार से नहीं है, समझिए बात, साध्वी का अलग स्तर है। ऐसे तो उर्मिला मातोंडकर भी नहीं थी, सन्नी देओल भी नहीं थे, कोई नहीं था। सांप्रदायिकता का जो चोला वो आई, भारतीय जनता पार्टी विकास से हटके और सांप्रदायिक व्यक्ति को लेके आई, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो सामने आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना दशानन का मुख्य चेहरा बताया, कहना कुछ करना कुछ, बताना कुछ दिखाना कुछ और है कुछ। जो प्रभु श्री राम की बात करते हैं वो आज दशानंद का चेहरा लगा के बात कर रहे हैं, जवाब सर्वनाक बात है। विकास की बात अगर करना नहीं कर रहे, विकास की धारा पे आते, बता दे कि हमने जो वायदे किए हमने ये करे, उन्हें जिन बातों का विरोध किया था उन बातों को उन्होंने ओढ़ कर रखा, ये उनका वाकई। सुमित जी मोदी जी के भाषण में 5 मिनट दिग्विजय छाया रहता है, ना बोले तो मैं बिल्कुल अपनी बात बेखूबी से जवाब देना चाहूंगा। देखिए साध्वी जी पर जिस तरह से आरोप आप लोग लगा, साध्वी प्रकरण तो समाप्त हो गया है सुमित जी, आपने आपकी सरकार ने बंद किया था 2007 और 2011 में शिवराज सिंह सरकार ने बंद किया था। आप यदि बीच में नहीं टोकेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा जल्द संक्षेप में। तो कांग्रेस में क्या है कि मैं जानता हूं कि पिछले दिनों एक प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई थी कि बीच में चिल्लाना है। खैर मैं अपनी बात बोलता हूँ, साध्वी जी भगवा चोला जरूर पहना हुआ है लेकिन एंटी मुस्लिम ना कोई बात उन्होंने कही है ना कोई काम उन्होंने किया है। सांप्रदायिकता वाली कोई चीज उनके चरित्र में नहीं। हाँ चूंकि उन्होंने भगवा चोला पहना है, कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को भगवे से इतनी नाराजगी और इतनी चिड़ मच गई है कि वो उनको प्रताड़ना तो दूसरी बात है, आज उनको उनको एक तरीके से सांप्रदायिक रंग देने लगे हैं। क्यों भगवे से इतनी चिढ़ हो गई है, क्यों भगवा आतंकवाद हो गया? मुझे कांग्रेस से जवाब लेना चाहिए। रतलाम पे आ जाइए, रतलाम पे आ जाइए। साध्वी जी पे आप जनता ने कल जवाब दे दिया है सुमित जी, बिल्कुल रतलाम पे आ जाइए। रतलाम पे भी हम जिस तरह से आते हैं, रतलाम में देखिए आप क्या चल रहा है आज, 55 साल राज करने के बाद आज वोट मांगे जाते हैं कि इंदिरा गांधी की नाक मेरी नाक जैसे मिलती है। क्या ये राजनीति का स्तर हो गया है? और बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो पुराने परिवार से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारा बहुत बड़ा रिकॉर्ड है राजनीति का। क्या स्तर हो गया है राजनीति का? वोट डालने आप खुद कैंडिडेट होके वोट डालने नहीं जाते हैं, आपको खुद को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं रह गया। और आप लोकतंत्र प्रधानमंत्री अगर एक व्यक्ति पे आरोप लगा रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, कितना डरा सहमा हुआ प्रधानमंत्री है जो केवल एक व्यक्ति पे इंगित होकर 5 मिनट बात कर रहा है? ऐसी शर्मनाक बात है। अगर वो डरा सहमा है लोकतंत्र की बात आप करते हैं, डरे सहमे हुए लोकतंत्र पे आपको भरोसा नहीं है? कांग्रेस दिग्विजय सिंह कांग्रेस को खुद कर दिया, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री दूसरे से वोट मांगने अपने विकास की बात नहीं कर रहा, विकास यात्रा की बात नहीं कर रहा, विकास
यात्रा की बात नहीं है, की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का परिचय। आप क्या विकास की बात करेंगे? अरे आप बताइए ना कि आपने विकास क्या करा। 70 साल बाद उज्ज्वला दोनों को रोक रहा हूँ क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। 45 रुपए का सिलेंडर दिया, 4 साल बाद भी यदि आज सारे गांव में बिजली पहुंचती है, आज सभी लोगों को मकान मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ विकास इसको बोलते हैं। 55 साल बाद में गरीबी दूर हो जाएगी वाले बयान राहुल गांधी के होते हैं वो झूठा चरित्र है। देखिए रतलाम पे इसलिए ला रहा हूँ आनंद जी क्योंकि बहुत गंभीर सीट इसलिए है, बीजेपी केवल एक चुनाव जीती, वो भी दिलीप सिंह भूरिया जीते जो कांग्रेसी थे, ठीक है, और वो मोदी फैक्टर कह लो या जो बिलाला वोट बैंक है वहाँ पर उसी का कह लो, इसलिए कि विकास अगर नहीं हुआ तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है क्योंकि कांग्रेस ही वहाँ पर सांसद अपने लेते आई है। लेकिन मैं मोहित जी एक लास्ट कमेंट आपसे यही चाहूँगा कि जो मोदी की विकास योजना है केंद्र से जो भी योजना है, क्या आदिवासी वर्ग तक उसका लाभ पहुँचा है, क्या उसका फायदा जीएस डामोर को मिलेगा, और बीजेपी ने जो बड़ा रिस्क लिया है विधायक को दांव में उतार करके, इसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं? देखिए विकास के अपने अपने दावे हैं वादे हैं। आप आज भी जाइए झाबुआ धार, ये भील इलाका है, मध्य प्रदेश का भील इलाका है, आज भी वहाँ भी अभी भी तीर कमान चल रहे हैं। ऐसा नहीं है हम अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं, 21वीं सदी में हैं, आज भी वहाँ पर तीर कमान चल रहे हैं। गर्मी में भयंकर जल संकट है और सबसे ज्यादा पलायन है, आप अभी देखिए। लेकिन ज्यादातर समय कांग्रेस के सांसद हैं। बिल्कुल, जो वहाँ पे सबसे ज्यादा राज किया उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि वो विकास करे। अभी आप देखिएगा वोटिंग का समय आएगा, अभी ये विधानसभा में हमने देखा था कि मजदूर गुजरात से वापस आए थे वोट डालने, बसों में भर भर के लाए गए थे, फिर वो वापस पहुंचाए गए थे, और ये दृश्य हो सकता है इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो ये पलायन बड़ा मुद्दा है, हाईवे लंबे समय से बन रहा है इंदौर अहमदाबाद, ट्रेन की परियोजना है दाहोद इंदौर परियोजना, वो सब परियोजना है। तो आदिवासियों का एक वोट बैंक तो ठीक है, हर पार्टियों की साधने की रणनीति है, लेकिन उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हमने क्या प्रयास किया कि आज भी तीर कमान अभी भी वहां पर लोग चला रहे हैं, आज भी पढ़ाई में वो इलाका पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र पिछड़ा है। लेकिन पिछली सरकार ने अलीराजपुर को जिला इसलिए बनाया गया था कि ये झाबुआ मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा जिला था कि यहां पर कुछ चीजें हो, छोटे जिले बने, ये कम से कम अच्छा अस्पताल तो खुलता, लेकिन वो भी नहीं हो पाया सुमित जी। और देखिए 15 साल देखिए सांसद रहा ठीक है, लेकिन 15 साल आपकी सरकार है और 5 साल से आपकी सरकार थी केंद्र में। सुमित जी आज भाषण में आप दिग्विजय को तो टारगेट कर रहे हो, लेकिन ये बताते ना कि इस रतलाम झाबुआ क्षेत्र के लिए हम करेंगे क्या, वो योजना नहीं थी। क्षेत्र में लगभग सारे गांव में बिजली पहुंचने का काम इस मोदी सरकार में हुआ है, लगभग हर व्यक्ति को घर मिलने का काम इस मोदी सरकार में हुआ है, हर गांव में शौचालय पहुंचने का काम इस मोदी सरकार में हुआ है, हर हमारा जो नितिन गडकरी जो रोड का मंत्री है वो दिल्ली से बोलते हैं कि 7 किलोमीटर सड़क बनती थी पिछली सरकारों में, 27 किलोमीटर मैं बनाता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बनाता हूँ। देखिए ये सारी चीजें ही विकास होती है। मैं समझता हूँ चुनाव क्यों हार गए, फिर देखिए 2015 का उपचुनाव क्यों हार गए ये अलग मुद्दा है। 2014 में हम जिस तरह से वापसी किए थे, पहली बार हम उस सरकार उस संसदीय क्षेत्र को हम जीते थे, 2019 में हम निश्चित तौर पर फिर से कि उस संसदीय क्षेत्र को जीत कर और बची हुई जो दो सीटें हैं उन पर भी हमारा बहुत फोकस इस बार रहा, निश्चित तौर पर हम 29 सीट पर जीतेंगे, ये आपको 23 तारीख के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया सुमित जी, और बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका हमारे साथ दिल्ली के दावेदार में जुड़ने के लिए। तो रतलाम और झाबुआ की जनता इस बार क्या फैसला देती है देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक तरफ जीएस डामोर जो बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांतिलाल भूरिया को, लेकिन भूरिया क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहते हैं, क्या गांधी परिवार का जो भरोसा उन पर है उसको बनाए रखते हैं, या फिर कोई उलटफेर वाला नतीजा यहाँ पर देखने को मिलता है। दिल्ली के दावेदार में आज बस इतना ही, आप देखते रहिए पत्रिका टीवी, नमस्कार। We'll be right back.